So hello guys, today we are going to read How to Become Rich by Swami Shivananda ji. This book will be in two languages, Hindi and English. I am repeating again, this book will be recorded in two languages, Hindi and English. First I will read English, then I will translate it into Hindi. पहले ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रीड की जाएगी. वीडियो प्लस ऑडियो बुक है. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में. कोई शब्द अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं उसे डिक्शनरी में आपके सामने देखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मतलब क्या है. इससे हमारी वोकेबलरी भी ठीक होगी और हमें चीज़ें समझ में भी आएंगी. बाय दिस मेथड आवर वोकेबलरी विल इम्प्रूव एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस बुक ईजिली. This is a book called How to Become Rich by Swami Shivananda ji. You must have known Swami Shivananda ji. If you don't know, you can just Google about it. He is the amazing person. You can consider him a modern Buddha. So this is a book name, and this is price. But you can buy it from directly from the website of Divine Life Society. Do not buy from here. Okay, so let's read about it. Author's preface. Let's read about it. So we are going to read it. Among the four purusharthas, viz. Dharma, high tasteousness, Artha, wealth, Kama, desire, and Moksha, liberation. Here, Kama means is desire. It's not about sexuality. So, यहाँ पे स्वामी शिवन जी कह रहे हैं कि चार पुरुषार्थ हैं, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ यानी धन, काम यानी इच्छाएं हैं, एंड मोक्ष यानी मुक्ति. द फर्स्ट थ्री रिलेटेड टू द वर्ल्ड, जो पहले तीन हैं वो दुनिया से रिलेटेड हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड है. धर्म बीइंग द डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ अर्थ एंड काम. जो धर्म है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है अर्थ और काम का. बोथ दीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड वन कैन नॉट हैव द फुलफिलमेंट ऑफ वन विदाउट द एड ऑफ द अदर. Let's read again. Both these are interdependent. What is interdependent? Dharma, earth and kaam. These are interdependent. Okay? Both these are interdependent. इसका मतलब ये है कि धर्म भी नहीं आ सकता है अगर अर्थ और काम ना हो. यहाँ पे अर्थ मतलब वेल्थ है, पैसा है, और काम मतलब डिजायर है, ना कि सेक्स. सेक्स रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, काम डिजायर है. अब धर्म डिजायर पे कैसे डिपेंडेंट है, जबकि हम लोग तो ये कहते हैं कि धर्म में जो कोर टीचिंग्स होती है डिजायरलेस बनना. सी, एक होती है शुभ डिजायर्स, एक होती है अशुभ डिजायर्स. वन इज गुड डिजायर्स एंड अदर इज बैड डिजायर्स. नाउ वी हैव टू रिमूव बैड डिजायर्स बाय गुड डिजायर्स. अब हमें बैड डिजायर्स को रिमूव करना पड़ेगा गुड डिजायर्स के थ्रू, राइट? नाउ आगे स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, बोथ दीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड वन कैन नॉट हैव द फुलफिलमेंट ऑफ वन विदाउट द एड ऑफ अदर. इसका मतलब है कि धर्म, अर्थ, काम, ना अर्थ काम को एक कैटेगरी माने और धर्म को एक कैटेगरी माने, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता. इसका मतलब ये कि जिनके पास धन नहीं है वो धर्म भी हासिल नहीं कर सकते. नाउ इसको बुद्ध एंड महावीर से कंपेयर नहीं करना है. वी शुड नॉट कंपेयर इट विद बुद्ध एंड महावीर, बिकॉज दे हैव अचीव द हाइएस्ट वेल्थ पॉसिबल एंड दे लेफ्ट इट, है ना, बिकॉज दे हैव अटेन द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. आफ्टर अचीविंग दैट नथिंग मैटर्स. सो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए दोनों चाहिए. आगे स्वामी शिवन जी कहते हैं, नेक्स्ट स्वामी शिवन जी सेज दैट कामा इज नॉट पैशन नॉर इज अर्थ इट्स फुलफिलिंग एजेंसी. कामा इज नॉट पैशन नॉर इज अर्थ इट्स फुलफिलिंग एजेंसी.
आगे स्वामी जी कहते हैं कि काम कोई एक पैशन नहीं है। पैशन मींस होना चाहिए कि एक जोश, एक जिसके प्रति हम पागल हो जाते हैं, ये काम वो नहीं है। ना ही अर्थ ऐसी कोई चीज है जिससे हम अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है। अर्थ जरूरी होता है बेसिक फुलफिलमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी अर्थ से यानी पैसे से आता है। नाउ स्वामी शिवन जी सेज दैट आई एम डिजायर विच इज अन अपोज टू धर्मा। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी डिजायर हूं जो कि धर्म को अपोज नहीं करती है। नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया था, दो तरह की डिजायर होती हैं, धर्म संगत होती है, अधर्म संगत होती है। दैट मीन्स शुभ वासना और अशुभ वासना, शुभ डिजायर्स अशुभ डिजायर्स, है ना। देर आर टू काइंड ऑफ डिजायर्स, गुड डिजायर्स एंड बैड डिजायर्स। सो कामा हेयर इज इन दिस कंटेक्स्ट, कामा इज दोज डिजायर्स विच आर अनअपोज टू धर्मा, जो कि धर्म को अपोज नहीं करती हैं, सेज लॉर्ड कृष्णा इन द गीता। ये भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर। क्योंकि जिस तरह से कांटा कांटे को निकालता है, उसी तरह से गुड डिजायर्स बैड डिजायर्स को निकालती हैं। और जब बैड डिजायर्स भी पूरी खत्म हो जाती हैं, जिसमें सब सारे कांटे निकाल दिए जाते हैं, उस समय सही कांटे को ही फेंक दिया जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। आगे स्वामी जी कहते हैं कि हेंस अर्थ एंड कामा आर सर्टनली नॉट एन ऑल इंक्लूसिव फैक्टर्स ऑफ वंस लाइफ। हेंस अर्थ एंड कामा आर सर्टनली नॉट एन ऑल इंक्लूसिव फैक्टर्स ऑफ वन लाइफ। इसका मतलब है कि अर्थ और काम पूरी तरह आपको आपके जीवन का पूरा सार नहीं है। ये आपके जीवन को सब कुछ नहीं बनाते हैं। अर्थ और काम सफिशियंट नहीं है आपकी जिंदगी के लिए। धर्म और मोक्ष भी होना चाहिए। अर्थ एंड कामा शुड नॉट हैव देयर फुलफिलमेंट टू दी नेग्लेक्ट ऑफ वंस स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। अर्थ एंड काम शुड नॉट हैव देयर फुलफिलमेंट टू दी नेग्लेक्ट ऑफ वंस स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। हमें सिर्फ अर्थ और काम के चक्कर में नहीं पड़ जाना चाहिए, उन्हीं को फुलफिल करने के चक्कर में नहीं पड़ जाना चाहिए, और हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इस कारण से बहुत सारे लोग इस दुनिया में क्या करते हैं कि अर्थ और काम में ही लगे रहते हैं, और वो अपनी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि धर्म एंड मोक्ष है ना। तो वन शुड फोकस ऑन बोथ। सिंस ऑल आर नॉट बॉर्न विद दी वन पॉइंटेड अर्ज ऑफ मोक्ष, चूंकि सभी एक पॉइंटेड मोक्ष के डिजायर या आग से उत्पन्न नहीं होते कि मुझे मोक्ष पाना है, इस आग से उत्पन्न नहीं होते हैं। एंड द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट सूटेड फॉर इमीडिएट रिनन्सिएशन। एंड द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट सूटेड फॉर इमीडिएट रिनन्सिएशन। और ज्यादातर लोगों में जो एवोल्यूशन होता है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, उनमें ऐसा ही नहीं होता कि बचपन से उनमें मोक्ष की लालसा रहेगी और वो उस लालसा के थ्रू जो है वो इमीडिएट रिनन्सिएशन पा लेंगे। ऐसा ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। अर्थ एंड काम आर मेंट टू बी प्रिपरेटरी एजेंसी फॉर हायर अटेनमेंट्स। अर्थ और काम जो होते हैं वो प्रिपरेटरी एजेंसीज होती है, मतलब प्रिपरेशन होती है। बिना इसके धर्म और मोक्ष भी पाया नहीं जा सकता, है ना। मतलब हमें सब कुछ एक साथ चाहिए होता है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों एक साथ चाहिए होता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, जब धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो अर्थ और काम भी जरूरी है ताकि धर्म में हम प्रगति कर सके। जब तक किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होगा, वो कैसे धर्म में प्रगति करेगा। जैसा कि सभी महापुरुषों ने कहा है कि पेट भरा होना चाहिए, उसी के बाद भजन होता है ना। बिना खाली पेट भजन नहीं होता है। द टाइटल ऑफ द बुक हाउ टू बिकम रिच डज नॉट एक्सक्लूसिवली रिलेट टू द मटेरियल प्रोस्पैरिटी। ये जो टाइटल है बुक का कि अमीर कैसे बने, जो कि स्वामी शिवन जी द्वारा लिखित लिखित है, इसका मतलब एक्सक्लूसिवली ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ मटेरियल प्रोस्पैरिटी देगी आपको। फॉर इफ इट डज सो देर कैन बी नो परमानेंट वैल्यू टू इट। अगर वो ऐसा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इस बुक की, क्योंकि रिच बनना इस बुक, सिर्फ और सिर्फ पैसे होना इस बुक का अर्थ नहीं है। नॉट एट ऑल वर्थी ऑफ एस्पिरेशन टू अ रियली इंटेलिजेंट पर्सन। कोई भी जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो सिर्फ इस बात के लिए ऊपर फोकस नहीं करेगा उसके पास पैसे हों। पैसा आपकी बस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, उसके बाद हमको और भी चीजों पर फोकस करना होता है, जैसे धर्म, काम एंड मोक्ष पे। नॉर नॉर
इज द टाइटल एस्क्राइब टू द वंस स्पिरिचुअल बाउंटी एज अपोज टू द अर्थ अर्थली। ना ही ये टाइटल इस बात को सब्सक्राइब कर रहा है कि हमें सिर्फ आध्यात्मिक बातों पे सोचना चाहिए, हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ना ही ये संसार के अगेंस्ट है, ना ही वो सिर्फ आध्यात्म के अगेंस्ट है, दोनों का तालमेल बिठा के। तो जैसा कि महापुरुषों ने कहा कि विद्या और अविद्या दोनों चाहिए, द ग्रेट सेंट्स सेड दैट वन शुड हैव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉलेज ऑफ द इनर वर्ल्ड। नॉलेज ऑफ द आउटर वर्ल्ड एंड नॉलेज ऑफ द इनर वर्ल्ड बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इफ वन डज नॉट हैव वन इफ वन डज नॉट हैव आउटर वर्ल्ड नॉलेज, ही विल फेल, ही विल गेट सक्सेस, ही विल गेट फेलियर्स इन एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। इफ समबडी डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ इनर सेल्फ, इनर वर्ल्ड, स्टिल ही विल गेट द फेलियर्स इन एवरीवेयर। बट द पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ सेल्फ, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड विल गेट सक्सेस। द मोर ही हैज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, द मोर सक्सेसफुल ही विल बिकम। बट द टाइटल सजेस्ट बोथ। फॉर अगेन इफ इट मीन्स सो देन दिस वर्क विल बी यूजफुल एंड हैव इट्स इफेक्ट अपॉन हार्डली वन ऑफ इन द थाउजेंड। बट द टाइटल सजेस्ट बोथ। ये जो इसका जो टाइटल है वो दोनों के लिए है, सांसारिक लोगों के लिए और आध्यात्मिक लोगों के लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट ये सब चाहिए होता है। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ टू, बट नॉट इन द सेंस ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ बोथ, बट इन द सेंस ऑफ द फर्स्ट वन बीइंग एन एजुकेटिव एंड प्रिसीडिंग फैक्टर ऑफ द सेकेंड। नाउ दोनों इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं, इनर वर्ल्ड की नॉलेज और आउटर वर्ल्ड की नॉलेज, दोनों का इंटरमिंगलिंग की गई है, दोनों का सामंजस्य बिठाया गया है। बट इस तरह से बिठाया गया है कि एक दूसरे को वो सपोर्ट करे, ना कि एक दूसरे के वो अपोजिट हो। ठीक है, द नॉलेज ऑफ इनर वर्ल्ड एंड द नॉलेज ऑफ आउटर वर्ल्ड। तो अगर किसी को अमीर बनना है, इफ समबडी वॉन्ट टू बिकम रिच, देन उसके पास इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड दोनों की नॉलेज होना चाहिए। देन वन मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। अगर किसी के पास ये नॉलेज नहीं है, इफ समवन डज नॉट हैव दिस नॉलेज, तो वो अमीर नहीं बन सकता, देन ही कैन नॉट बिकम रिच। दैट इज वॉट हाउ टू बिकम रिच मीन्स टू द मेजोरिटी ऑफ रीडर्स। दिस बुक इज वेल अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर हाउस ऑफ दोज रेयर गिफ्ट आध्यात्मिक धीरस हु विल बट सेंटर द एंटायर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचेस्ट रिचेस टू द लेटर हाफ ऑफ द वर्क। हेंस इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ मैसेज ऑफ मैसेज टू दैम। सो यहाँ पे स्वामी चिरंजी जी ये कहते हैं, दिस बुक इज अ वेल वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर हाउस। ये एक बुक एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मतलब विचार विचारों को प्रवोक करने वाली, हमारे अंदर एक नए विचारों को प्रवोक करने वाली स्पिरिचुअल ट्रेजर है, आध्यात्मिक संपत्ति है, एंड उन लोगों के लिए एक रेयर गिफ्ट है जो कि आध्यात्मिक रूप से अमीरी भी चाहते हैं और सांसारिक रूप से भी अमीरी चाहते हैं। हेंस इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ मैसेज टू देम। तो ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक रूप से प्रगति चाहते हैं उनके लिए इसमें कुछ नहीं होगा, या फिर जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति चाहते हैं उसमें उसके लिए उनमें कुछ नहीं होगा। इस बुक में दोनों के लिए है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्क आई हैव स्ट्रेस्ड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन वर्चूज विच विल इनेबल वन इन इंक्रीज इज अर्निंग कैपेसिटी। स्वामी शिवन जी कहते हैं कि इस बुक के पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि कुछ हमें सर्टन वर्चूज, हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे गुण डेवलप करने पड़ेंगे, इनेबल करने पड़ेंगे, जो कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें एंड बिकम अ सेल्फ मेड मैन, और हमें सेल्फ मेड मैन बनाए। सम क्वालिटीज ऑफ वंस कैरेक्टर दैट विल हेल्प हिम टू विन फ्रेंड्स, टू डेवलप हिज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम सजेशंस टू स्टार्ट बिजनेस, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द बिजनेस लाइफ, एंड द वेज ऑफ मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ मनी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन बेस्ट यूज ऑफ मनी आर ऑल्सो एक्सप्लेन। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि सम क्वालिटीज ऑफ वंस कैरेक्टर, कुछ क्वालिटीज जो कैरेक्टर्स में होना जरूरी है जिससे हम फ्रेंड्स बना सकें, ऑब्जर्वेशन की पावर डेवलप कर सकें, सजेशंस दिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इंडस्ट्री का क्या रोल है बिजनेस के अंदर एंड लाइफ के अंदर, एंड कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे मनी को बनाया जा सकता है।
यानी मनी अर्न की जा सकती है। बिकम एन अडॉप्टेड सन और मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी शुड नॉट मिसलीड वन टू थिंक दैट रिचेज आर मेंट टू वंस फुलफिलमेंट ऑफ बेस डिजायर्स और अ फेबुलसली वेल्थी लिविंग। अब नीचे जब हम टाइटल नीचे हम जब इंडेक्स पढ़ेंगे इस बुक का, तो या फिर नीचे जब हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे, तो उसमें एक टाइटल आता है एडॉप्टेड सन का। अब इसको पढ़ के हमें मिसलीड नहीं हो जाना है, उसके अंदर क्या लिखा है उसको समझना होगा, है ना, उसके अंदर क्या लिखा होगा उसको समझना होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान को उसके फेस से नहीं पहचाना जा सकता। अ मैन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय हिज फेस, बाय हिज लुक्स, है ना। डोंट जज द बुक बाय इट्स टाइटल, किसी किताब को उसके टाइटल से जज मत करो। उसी तरह से जब हम नीचे कंटेंट में आके पढ़ेंगे, कंटेंट में इन इंडेक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या किन किन टॉपिक्स पे स्वामी जी ने बात करी है, तो उसमें लिखा है एडॉप्टेड सन एक जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप एडॉप्टेड सन बन जाओ किसी रिच आदमी के, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे पैसों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया है कि हम बहुत ही वेल्दी लिविंग जिए, एलॉन मस्क की तरह जिए, और वी शुड हैव अ प्राइवेट जेट, हमारे पास एक प्राइवेट जेट हो, नो। और ना ही बेसलेस डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, नाइदर इट्स फॉर बेसलेस डिजायर्स, मनी इज नॉट फॉर दैट। डिजायर कैन नेवर बी रियली फुलफिल्ड। रियलिटी ये कि स्वामी जी कहते हैं कि डिजायर्स को कभी फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। एक डिजायर फुलफिल होगी तो वो दूसरी आ जाएगी। इट इज लाइक द ड्रैगन फायर दैट हेल्प्स अप टू डिवोर इट्स विक्टम। डिजायर कैन नेवर बी रियली फुलफिल्ड। इट इज लाइक द ड्रैगन फायर दैट लीप्स अप टू डिवोर ऑफ इट्स विक्टम, है ना। तो नाउ यहाँ पे हमें डिवोर का मतलब समझना होगा। नाउ डिवोर मतलब होता है भूख के मारे जल्दी जल्दी खाना भकोसना या भक्षण करना। टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री। सेकेंड मीनिंग तेजी से और पूरी तरह से कोई काम कर डालना। टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कम्प्लीटली। द हंग्री एग्जाम्पल, द हंग्री चाइल्ड डिवॉर्ड ऑफ एंटायर पिज्जा इन मिनट्स। उसने पूरा पिज्जा जल्दी जल्दी खा लिया, है ना। सो हेयर स्वामी जी सेइंग दैट इट इज लाइक द ड्रैगन फायर दैट लीप्स अप टू डिवॉर इट्स विक्टम, है ना। एक ये एक ऐसी जो डिजायर है वो एक ऐसी ड्रैगन फायर की तरह है जो कि अपने विक्टम को, है ना, जिसके पास बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, वो क्या हुआ, डिजायर का विक्टम। जिसके अंदर बहुत सारी काम वासना होती है वो किसका विक्टम होता है, सेक्सुअलिटी का विक्टम। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये हमारे दुश्मन है। द द एंगर, लस्ट, ग्रीड, हेट्रेड, ऑल दीज आर एनिमीज। सो डिजायर जो होती है वो डिवायर करती है, दैट मीन्स इट प्रोवोक्स ह्यूमन टू प्रोड्यूस मोर 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 एंड मोर डिजायर, मोर एंड मोर डिजायर। द अपीजर हु एग्रेवेट्स इट मोर एंड मोर बाय हिज अपीसमेंट। तो जो अपीजर होता है, जो डिजायर को क्रिएट कर रहा होता है, वो डिजायर फुलफिल्ड होने के कारण और डिजायर्स को क्रिएट करता है, जिसके कारण वो दुख पाता है। इट क्लिंग्स टू हिम इवन आफ्टर द बॉडी ऑफ हिज विक्टम इज पेरिश्ड। ये डिजायर्स इंसान से तब भी चिपकी रहती है, क्लिंग मतलब होता है चिपकना, ये तब भी चिपकी रहती है डिजायर्स जब उसकी बॉडी पेरिश हो जाती है, और वो डिजायर्स उसके साथ उसके अगले जन्मों में जाती हैं। नॉर इंडीड इज वेल्दी लिविंग इन एनी वे कंड्यूसिव टू वंस लास्टिंग हैप्पीनेस। इट क्लिंग्स टू हिम इवन आफ्टर द बॉडी ऑफ इट्स विक्टम इज पेरिश। तो डिजायर जो वो क्लिंग रहती है उस व्यक्ति से, जब वो उस व्यक्ति की बॉडी पेरिश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, उसके बाद भी वो डिजायर्स जो है वो उसके साथ अगले जन्मों में जाती हैं। इसलिए अननेसेसरी की डिजायर्स कभी नहीं होनी चाहिए। नॉर इंडीड इज वेल्दी लिविंग इन एनी वे कंड्यूसिव टू वंस लास्टिंग हैप्पीनेस। ना ही वेल्दी लिविंग को एक कंड्यूसिव होती है, एक अच्छी मानी जाती है हैप्पीनेस के लिए। बिकॉज एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मतलब लंबे समय तक की हैप्पीनेस के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, इतना होना चाहिए कि आपका काम चल जाए। इट इज नॉट द मीन्स ऑफ अ कॉन्टिन्यूस पीसफुल लाइफ। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पीस होगी, कॉन्टिन्यूस पीस होगी। आपको बस रोटी कपड़ा मकान और बेसिक नीड्स की पीस मिल जाएगी, स्टिल
आप देखोगे कि कितने रिच लोग भी सुसाइड करते हैं. यू सी दैट सो मेनी रिच पीपल कमिट सुसाइड. सो मनी इज नॉट द ओनली पैरामीटर. यू नीड सम मेनी मोर थिंग्स अदर देन मनी, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप्स, नॉलेज, विजडम. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज विजडम. सो पैसा सिर्फ एक मीन्स नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस पीसफुल लाइफ का, है ना, लगातार सुख शांति भरी लाइफ का. देन वाई शुड वन एक्वायर वेल्थ और वेयर इट इज नेसेसरी टू बिकमिंग एन एडॉप्टेड सन. देन क्यों हम क्यों एक व्यक्ति जो है वो वेल्थ कमाने के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देता है, और क्या क्या कहाँ ये इतना ज़रूरी है कि हम एडॉप्टेड सन माने? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. येस देर इज एन अ डेफिनेट पर्पज. यस इसका एक डेफिनेट पर्पज है. स्वामी जी शिवन जी कहते हैं कि वेल्थ का भी एक डेफिनेट पर्पज है. वेल्थ इज द मीन्स फॉर ग्लोरियस एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रफी. जिसके पास धन होगा वही तो दान पुण्य कर पाएगा, है ना. फिलॉन्थ्रफी मतलब दान पुण्य, समाज के भले के लिए काम करना. वेयर बाय थाउजेंड्स आर हेल्प्ड एंड अलाउड टू प्रोग्रेस इन लाइफ. जिसकी वजह से थाउजेंड्स की मदद होती है और कई लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा ना, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमने एक विपश्यना सेंटर खोल दिया आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लोगों के लिए. हमने अनाथालय खोल दिया, हमने ओल्ड एज होम खोल दिया. तो इससे क्या होगा कि लोगों को फ़ायदा होगा, और जिससे बहुत लोग अपने जीवन में एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे. इट इज अ मीन्स टू एम्यूलेट द लॉट ऑफ द निडी. एम्यूलेट मतलब होता है उत्थान कर देगा, भला कर देगा, ऊंचा कर देगा. इट इज अ मीन्स टू, ये एक धन एक मीन्स बनेगा कई लोगों के उत्थान के लिए, कई लोगों की नीड्स के लिए, नीड को पूरा करने के लिए. टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द डिसीज्ड. सफरिंग ऑफ द डिसीज मतलब होता है जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई दुख है, उसकी बीमारी को एलिवेट करना, यानी खत्म करने में, हटाने में मदद करेगा. इट्स पर्पस इज टू स्टेबलाइज एंड फाइनेंस फिलान्थ्रॉपिक इंस्टीट्यूट्स. धन का पर्पस होगा कि जो फिलान्थ्रॉपिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फाइनेंस करना. फिलान्थ्रॉपिक इंस्टीट्यूट्स यानी अनाथालय हुए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हुए, विपश्यना सेंटर्स हुए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी हुई, मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, सही कई सारे एनजीओज हुए. उन लोगों को दे कैन इट कैन फाइनेंस, मनी कैन फाइनेंस ऑल दिस थिंग्स. वेयर डेस्टिट्यूट्स आर शेल्टर्ड, है ना, जहाँ पे कमजोर लोग होंगे, जो कमजोर होंगे, जिनकी जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनको एक शेल्टर मिलेगा. ऑर्फन्स आर रियर्ड अप, हंग्री स्टमक फेड. जो अनाथ होंगे उनको पाला जाएगा, हंग्री स्टमक फेड. जो भूखे होंगे उनको खिलाया जाएगा, जो गरीब होंगे उनको पढ़ाया जाएगा. पुअर पीपल एजुकेटेड, सफरिंग वंस मेडिकली केयर्ड फॉर. जिनको मेडिकल नीड्स होगी उनको मेडिकल केयर मिलेगी. एंड वेयर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस आर इम्पार्टेड टू एस्पिरेशंस एस्पिरेंट्स, है ना. स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस आर इम्पार्टेड टू एस्पिरेंट्स. जहाँ पे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस जो होगी, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अवेयरनेस या आध्यात्मिक जानकारी जो है वो लोगों को दी जाएगी. इन द सेम मैनर, मैरिंग अ रिच गर्ल डज नॉट मीन्स दैट वंस चूज शुड बी ब्लाइंडेड बाई वेल्थ. नाउ यहाँ पे स्वामी शिवन जी ने एफारिज्म यूज किए हैं. यहाँ पे नीचे जब हम इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने एक टॉपिक, एक पॉइंट लिखा है, मैरिंग अ रिच गर्ल. इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली किसी से भी बन जाओ, किसी भी बंधन में बन जाओ पैसे कमाने के लिए. इन द सेम मैनर, मैरिंग अ रिच गर्ल डज नॉट मीन दैट वन चॉइस शुड बी ब्लाइंडेड बाई वेल्थ, है ना. मैरिंग अ रिच गर्ल मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये एक अफोरिज्म है, एक शब्द है जिसका मतलब, जो लिखा तो है पर उसका मतलब वो नहीं है जो उसमें लिखा है, उसका मतलब कुछ और है, उसको पढ़ने के बाद पता पड़ेगा. तो हमें ब्लाइंडली जो है वो वेल्थ के पीछे भागना नहीं है. बट इट शुड बी व्यूड एज अ मीन्स टू बिल्ड अप प्रॉस्परस लाइफ डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. हमें पैसे को इस तरह से देखना चाहिए कि ये एक मीन है, एक रास्ता है जिससे हम एक समृद्धशाली लाइफ जी सकते हैं जो कि समर्पित होगी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमंस, यानी मानवता की सेवा के लिए. आई हैव कॉशन द यंग बैचलर नॉट टू इंटर इंटू पार्टनरशिप विद अ फैशनेबल गर्ल.
स्वामी चरण जी कहते हैं कि मैंने यंग बैचलर्स को, जो उनकी शादी नहीं हुई है अभी, उनको कहा है, उनको चेताया है, उनको सावधान सावधानी बरतने के लिए बताया है कि कभी भी फैशनेबल गर्ल के चक्कर में मत पड़ जाना पैसे के लिए। फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज डिटेस्टेबल एंड एंड इज डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, जो क्योंकि उसके जो परिणाम होंगे, अगर कोई व्यक्ति जो है एक फैशनेबल गर्ल जो कि दिख रही है रिच, और उसके चक्कर में आके उसे शादी कर लेता है, उसके चक्कर में पड़ जाता है, तो ये बहुत दुखदाई होगा। इसके जो रिजल्ट्स होंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो बहुत दुखदाई होंगे। एंड इसका जो एंड होगा, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस एंड रिवर्स्ड मैरिड लाइफ, एक बर्बाद मैरिड लाइफ होगी, अनहैप्पीनेस होगी, डाइवोर्स वगैरह होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, पर्टिकुलरली व्हेन द यंग मैन इज नॉट मॉनेटरीली गिफ्टेड, स्पेशली तब जब एक जो लड़का होगा वो मॉनेटरीली, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आई मस्ट मैंशन हेयर हाउएवर दैट मैरिज कैन नॉट बी टेकन एज एन इंडिस्पेंसेबल फैक्टर्स इन एवरी वंस लाइफ। स्वामी शिवन जी कहते हैं कि मुझे ये मैंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज जो है कैन नॉट बी टेकन एज एन इंडिस्पेंसेबल फैक्टर, ये सभी के लिए अपरिहार्य नहीं है, सभी की जिंदगियों में जरूरी है कि वो मैरिज करें। रेदर अ ट्रू एस्पिरेशन शुड डेफिनेटली कीप हिमसेल्फ फार फार अवे फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। स्वामी शिवन जी कहते हैं जो ट्रू एस्पिरेंट होता है, जो ट्रू एस्पिरेंट होता है, जिसको स्पिरिचुअली ऊपर उठना होता है, वो तो इस शादीवादी के चक्कर में ना ही पड़े, है ना, अवे फ्रॉम दी फैक्टर्स ऑफ मैरिड लाइफ, इन चक्करों में ना ही पड़े, शादीवादी के चक्कर में ना पड़े। फॉर हिम मैरिज कॉन्स्टिट्यूट्स अ कर्स, ऐसे साधक के लिए जो कि स्पिरिचुअली उठना चाहता है, जो कि समाज के लिए काम करना चाहता है, ह्यूमैनिटी की, मानवता की सेवा करना चाहता है, उसके लिए शादी एक श्राप है। वाइल एट द सेम टाइम फॉर अ मैन ऑफ अ लस्टफुल डिस्पोजिशन, फॉर हुम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट ओवर कार्नल पैशन, इट इज सॉर्ट ऑफ अ फेंस एंड प्रोटेक्टिंग वॉल टू इट्स मोरल रेकलेसनेस। उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भागता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं जो लड़कियों के पीछे भागते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में या मुस्लिम पर्सपेक्टिव या इस्लाम पर्सपेक्टिव में हम देखें तो यहाँ पे जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी इन हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म इज वेरी यू नो कंजर्वेटिव, इट बिकॉज ऑफ दैट द गर्ल्स डू नॉट हैव, आई मीन द गर्ल्स कैन नॉट डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, है ना, लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो हिंदुज्म एंड इस्लाम इस तरह के सोसाइटी में या पुअर सोसाइटीज में ऐसा होता है कि लड़कियों को एकदम फ्रीडम नहीं होती कि जो वो चाहे कर लें। बट इफ़ यू कंसिडर, इफ यू टेक एग्जाम्पल फॉर द वेस्टर्न कल्चर वेयर द गर्ल्स आर फ्री वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, अगर हम पश्चिमी सभ्यता की बात करें, जहाँ पे लड़कियों को स्वतंत्रता होती है, वट एवर दे वॉन्ट, जो भी वो करना चाहती हैं, एंड इन वेस्टर्न कल्चर गर्ल एंड बॉय बोथ हैव इक्वानिमिटी, बोथ हैव इक्वालिटी, और तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में समानता रखी जाती है वेस्टर्न कल्चर में। वहाँ पे आप देखेंगे कि लड़कियाँ भी लड़कों के पीछे भागती हैं। और इन इन इवन इन इंडियन सोसाइटी एंड इवन इन इस्लामिक सोसाइटीज गर्ल्स डू ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल थिंग्स एंड हाइडिंग इट फ्रॉम एवरीबडी। सो इंडियन एंड हिंदुइज्म, इस्लाम, इस तरह की सोसाइटी में भी गर्ल्स सब कुछ करती हैं, बट वो छुप छुप के करती हैं सब कुछ, क्योंकि सोसाइटी का एक वो रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैरिज उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो जिनके अंदर लस्टफुल डिजायर्स हैं, है ना, जो कि रोक नहीं सकते अपने आप को। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो एक प्रोटेक्टिंग वॉल्ट हो जाएगा कि हाँ चलो हमारे पास एक व्यक्ति है जिसके साथ हम अपनी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको शादी करना चाहिए, अगर उसने शादी नहीं की, तो वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए स्वामी शिवन जी कहते हैं कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, जिन्हें शादी करनी चाहिए, जिन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, दोनों ही जरूरी है। मैरिज इज देयर फॉर प्रेस्क्राइब फॉर दोज एंड अप्लाइज टू द मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड हु वो आर नॉट येट रेडी फॉर द लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ रेस्ट्रेंट। सो स्वामी जी कहते हैं कि मैरिज बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि अभी अपने आप को सेक्सुअली पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, या फिर वो अपनी डिजायर्स को पूरी तरह से, डिजायर्स को कम नहीं कर पाए, क्योंकि डिजायर्स को जिसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया वो तो मुक्त हो जाएगा। तो
जिसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके 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 सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, जिसकी वर्ल्डली डिज़ायर्स भी हैं, उसको शादी करनी चाहिए, है ना? एंड सर्टनली नॉट एज लाइसेंस टू सेल्फ इंडल्जेंस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई तो मतलब जो जितना मन चाहे सेक्स करो, जितना चाहे मन चाहे लस्टफुल जो मैं बहो, इसका मतलब ये भी नहीं है, है ना? एक कंट्रोल्ड होना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक चीज़ में. जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता वहाँ सक्सेस नहीं होती, जहाँ डिसिप्लिन होता है वहीं सक्सेस होती है. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई कंपनी रन कर रहा हो, कुछ भी. देन आई हैव डेवलप्ड अपॉन द वेज एंड मीन्स टू अ सक्सेसफुल करियर विच इज गिवन अ लास्टिंग वैल्यू बाई वंस इटर्नल प्रिपरेशन जस्ट इज एक्वायरिंग अ स्टर्लिंग कैरेक्टर. देन स्वामी जी ने अगले जो अगला जो चैप्टर है या फिर अगला जो उनका अगला जो व्यू है, पहला व्यू उन्होंने बता दिया, दूसरा व्यू उन्होंने बताया कि सक्सेसफुल करियर के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंटरनल, उसको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसको उसको कैसे कैसे वो क्वालिटीज डेवलप करनी है, और अपना एक शानदार कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है. बींग ट्रू टू वंस ओन कंसाइंस, बींग अपराइट एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर डिस्पेरिंग सर्कमस्टेंसेस एंड पजेसिंग एन आयरन डिटर्मिनेशन. आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, बींग ट्रू टू वंस ओन कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा से ईमानदार रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा और डिस्पेयरिंग सर्कमस्टेंसेस, भले ही कितने भी बुरे सर्कमस्टेंसेस आए वो एक आयरन डिटर्मिनेशन पजेस करेगा, उसके पास एक आयरन डिटर्मिनेशन होगा, है ना? हियर इन आई हैव वॉर्न द रीडर ऑफ द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गैम्बलिंग. यहाँ पे स्वामी स्वयं जी ने जो खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं जुआ खेलने के, ड्रिंकिंग शराब पीने के, एंड द हैबिट ऑफ बोरोइंग दूसरों से उधार लेने की बुरी हैबिट, एंड स्ट्रेस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड विल पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन. और उन्होंने इस बात पे भी स्ट्रेस दिया है कि मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, विल पावर अच्छी होनी चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ डिस्पैशन, मतलब एक उदासी, उदासी मतलब यहाँ पे उदासी वो नहीं है जो डिप्रेशन वाली उदासी, मतलब सांसारिक चीज़ों में ना थोड़ा वो नहीं होना चाहिए, सांसारिक चीज़ों में एक टाइप का एक डिस्पैशन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, और मतलब और भी गॉसिपिंग और बहुत सारी सांसारिक चीज़ें होती हैं, आगे इस बुक में पढ़ेंगे, है ना? फालतू चीज़ों के प्रति एक एक उदासीनता का भाव रहना चाहिए, उनके उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए. ऑल दिस कार्डिनल टेनेट्स आर नॉट ओनली कंड्यूसिव टू अ सक्सेसफुल प्रॉस्परस करियर, बट दे कॉन्स्टिट्यूट इनर प्रिपरेशन फॉर वंस एवोल्यूशन एंड हायर अचीवमेंट्स दैट आर मोर वर्दी ऑफ एस्पिरेशंस देन मटेरियल बाउंटी, है ना? सो इसमें जो जो भी चीज़ें बताई गई हैं आगे इस चैप्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए काफी नहीं है, मतलब आपको सक्सेसफुल हो करियर में प्रोग्रेस तो मिलेगी इससे, जो स्वामी स्वामी जी ने इस चैप्टर में बताया होगा, मतलब नीचे जो इंडेक्स दिया हुआ है उसको जिन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है उसके ऊपर यहाँ पे स्वामी जी एक प्रिफेस दे रहे हैं, है ना? ऑथर्स प्रिफेस, इसलिए इसका प्रिफेस नाम है. तो इसमें जो तरीके बताए गए हैं वो आपको करियर में सक्सेसफुल और प्रॉस्परस तो बनाएंगे ही, बट आपको आपकी इनर बट आल्सो आपकी इनर प्रिपरेशन भी कराएंगे आपकी हायर अचीवमेंट्स के लिए, जो कि स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, एंड दैट आर मोर वर्थी ऑफ एस्पिरेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है देन सिर्फ पैसों के मुकाबले, है ना? पैसों के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा कीमती है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है. प्रैक्टिस ऑफ दिस टेनेट्स साइमल्टेनियसली गार्ड्स हिम फ्रॉम लोअर टेम्पटेशंस एंड प्रिपेयर्स हिम फॉर अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड कंप्लीट रिनंसिएशन और अ लाइफ एंटायरली डिवोटेड टू द अटेनमेंट ऑफ द सुप्रीम गोल सेल्फ रियलाइजेशन. नाउ दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप, एक सेकेंड इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को गार्ड करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे कि आप लोअर टेम्पटेशंस के चक्कर में ना पड़ जाओ. लोअर टेम्पटेशंस क्या होते हैं, ह्यूमन के नीचे जो लोग होते हैं,
ह्यूमन के नीचे 7 लोग होते हैं, ह्यूमन के ऊपर 7 लोग होते हैं। देर आर 7 लोकास, देर आर 7 रियाम्स अबव ह्यूमन लाइफ, देर आर 7 रियाम्स बिलो ह्यूमन लाइफ। सो लोअर टेम्पटेशंस मीन्स सेक्सुअल डिजायर्स, ग्रीड, एंगर, लास्ट, हेट्रेड, ऑल दीज आर लोअर टेम्पटेशंस। सो ऑल दिस मेथड्स विच टोल्ड ऑल द मेथड्स विच टोल्ड बाय स्वामी शिवानंद जी इन दिस चैप्टर विल प्रिपेयर यू टू गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्पटेशंस। अपने आप को लोअर टेम्पटेशन से बचाना है, प्लस प्रिपेयर हिम फॉर अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ रिस्ट्रेंट। उसको प्रिपेयर भी करेंगे ये मेथड्स कि वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके और अपना जो एकमात्र गोल है उसके प्रति वो अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर सके। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, रिनंसिएशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कंप्लीट रिनंसिएशन। आगे स्वामी जी कहते हैं, फाइनली द एस्पायरिंग रीडर फाइंड्स परफेक्शन विद इन हिज रीच। फाइनली जो एस्पिरेंट होता है, जो रीडर होता है, वो फाइंड करता है कि जो परफेक्शन है वो उसकी पहुंच में है, वो परफेक्ट बन सकता है। ही इज रिमाइंडेड टू द डिफेक्ट्स ऑफ रिचेस। उसको जो रिच लोग हैं उनके डिफेक्ट समझ में आते हैं। इम्परमानेंस ऑफ वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड द सुप्रीम फेलिसिटी ऑफ डिजायरलेसनेस, है ना। और जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है, जो सांसारिक, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर पार्क चले गए या फिर हमने कुछ टेस्टी खा लिया, ऑल दीज आर फॉर एग्जांपल इफ वी गो टू वाटर पार्क एंड इफ वी हैव ईटन समथिंग टेस्टी, ऑल दीज आर वर्ल्डली हैप्पीनेस। ये सब सांसारिक हैप्पीनेस है। एंड फेलिसिटी ऑफ डिजायरलेसनेस, हमें कीमत समझ में आएगी, हमें हमें उस आनंद, वो हमें सुप्रीम आनंद मिलेगा कि डिजायरलेसनेस में क्या होता है, डिजायरलेसनेस से कैसे वो सुप्रीम चीज मिल सकती है। द इंक्वायरी ऑफ हु इज द रिचेस्ट मैन इज सेट अ फ्लेम इन हिम। दिस द इंक्वायरी, ये जो जिज्ञासा है कि हु इज द रिचेस्ट मैन, ये उसके अंदर एक फ्लेम की तरह जलेगी। उसे समझ में आएगा कि वास्तव में सबसे अमीर आदमी कौन है। ही विल अंडरस्टैंड हु इज द रिचेस्ट पर्सन। नाउ इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, बोथ वर सन ऑफ किंग्स, है ना। बोथ वर सन ऑफ किंग्स एंड दे आर युवराज, आई मीन दे आर द किंग्स, आई मीन दे आर ऑल्सो किंग्स। नाउ दे हैव लेफ्ट देयर इंटायर वेल्थ, आई मीन दे हैव ह्यूज स्टेट्स, ह्यूज लैंड टू यू नो टू मैनेज एंड टू दे कैन यू नो दे कैन कंज्यूम दैट, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स फॉर सेक्स, दे कैन हैव ऑल काइंड ऑफ यू नो एंजॉयमेंट, बट दे लेफ्ट एवरीथिंग। उनके पास सब कुछ था, वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था भोग के लिए, वो दोनों राजा थे, है ना। बट दे लेफ्ट एवरीथिंग, बट उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए, फॉर वॉट, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट, बिकॉज उन्हें समझ में आ गया था दैट वेल्थ कैन नॉट गिव यू लिबरेशन एंड मुक्ति फ्रॉम दुख। धन आपको मुक्ति नहीं दे सकता है दुखों से। ही इज ग्रेजुअली मेड अवेयर ऑफ द मनीलेस एंड वाइफलेस स्टेट ऑफ एन एवर कंटेंटेड लाइफ इन द स्पिरिट। सो वो व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाएगा, अवेयर ऑफ द वो अवेयर हो जाएगा मनीलेस एंड वाइफलेस स्टेट से, जिसके पास मनी नहीं होती है, वाइफ नहीं होती है, पर जो अंदर से कंटेंटेड होता है ना, वो समझ जाएगा। अल्टीमेटली ही इज प्रिपेयर टू चूज द बून अल्टीमेटली ही इज प्रिपेयर टू चूज द बून दैट द ग्रेट जिज्ञासु जिज्ञासु ऑफ द कठोपनिषद नचिकेता अस्ट लॉर्ड यमा। अल्टीमेटली ही इज प्रिपेयर टू चूज द बून दैट द ग्रेट जिज्ञासु, उस वो भी प्रिपेयर हो जाएगा वो बून पाने के लिए, वो गुण पाने के लिए, वो क्वालिटी पाने के लिए जो कि ग्रेट जिज्ञासु के पास थी, जो कठोपनिषद में ग्रेट जिज्ञासु था जिसका नाम था नचिकेता, जिसने नचिकेता ने लॉर्ड विष्णु लॉर्ड यम से यमराज से पूछा था। फॉर नाउ ही रियलाइज द इमोर्टल ट्रू ऑफ और द गुड एंड द फ्लीटिंग एंड डेल्यूसिव क्वालिटी ऑफ वर्ल्डली प्लेजर और द प्लेजेंट दैट वेल टू दोज
not endowed with the discrimination or hurl themselves against their devouring flames. For now he realized the immortal nature of truth or the good. So Nachiketa ko Yamraj ne bahut प्रलोभन दिए. द यमराज गेव हिम लॉट ऑफ यू नो ब्राइब, लॉट ऑफ ब्राइब फॉर द फॉर ऑल द प्लेजेंट थिंग्स विच वट एवर पॉसिबल, द मनी, द वुमेन एंड एवरीथिंग. बट नचिकेता डिनाइड. सो फाइनली नचिकेता अचीव्ड द इमॉर्टल नेचर ऑफ ट्रूथ और द गुड. एंड द फ्लीटिंग डिल्यूसिव क्वालिटी ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, जो डिल्यूसिव, जो धोखा देने वाली, जो चले जाने वाली, जो आने जाने वाली होती हैं वर्ल्डली प्लेजर और द प्लेजेंट दैट वेल, दोज आर नॉट एंडोर्ड विद द ट्रू डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सच्चा डिस्क्रिमिनेशन से नहीं मिलती है. डिस्क्रिमिनेशन हियर मीन्स विवेक, जो सच्चे विवेक, जो झूठे विवेक को होती हैं, सच्चे विवेक से तो ये चली जाती हैं, जो जो कि झूठे विवेक के द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं. जब किसी व्यक्ति के अंदर गलत विवेक होता है, उसके अंदर अज्ञान होता है, तो वो वर्ल्डली प्लेजर के पीछे भागता है ना. और अपनी जो डिवाइरिंग फ्लेम्स, मतलब अपनी जो डिजायर्स हैं, जो रॉन्ग डिजायर्स हैं, उनको डिवायर, मतलब उनको बढ़ाता रहता है, उनका भक्षण करता रहता है, और वो बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली उसको 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 ख़त्म कर देती है. ही नाउ अंडरस्टैंड्स दैट द गुड, नाउ उसको गुड का मतलब समझ में आ जाता है कि वो उसके लिए गुड क्या है. गुड धन नहीं है, गुड क्या है? गुड वो है जो हमें मुक्ति देते दुखों से. इज अ वन थिंग दैट प्लेजेंट अनादर, दिस टू हैव डिफरेंट एम्स. ही हु डिस्क्रिमिनेट्स एंड सीक्स द गुड अचीव सक्सेस, ही हु सीक्स द प्लेजेंट फॉल्स ऑफ हिज एम. कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में ये कहा गया है, उपनिषद बहुत सारे होते हैं, उनमें एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें ये कहा गया है कि जिसके अंदर विवेक है वो सही गुड को समझ पाएगा और उसी को सही सक्सेस मिलेगी, असली सक्सेस मिलेगी. बट जो मज़े के लिए, जो आनंद के पीछे भागता है ना, वो अपने लक्ष्य से गिर जाता है और बहुत दुख पाता है. बिकम डिजायरलेस, स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि इच्छा विहीन बन जाओ. यहाँ पे स्वामी जी यही कह रहे हैं कि बुरी इच्छाओं को छोड़ दो. Who will become the richest? You will become the richest man in the whole world. जिसके अंदर कोई भी बुरी इच्छा नहीं है, वो दुनिया का सबसे रिच आदमी बन जाता है. तो ये फाइनली इस बुक के एंड में आपको बताया जाएगा कि कैसे वो व्यक्ति जिसके जो कि डिजायरलेस है, वो ही सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है. मे यू विल बी एंडाउड विद द ट्रू डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे सोमत जी प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि आप सबको ट्रू डिस्क्रिमिनेशन प्रदान हो. मे गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर आशीर्वाद दे, सारी पीस, प्लेंटी एंड प्रॉस्पैरिटी, अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड कैवल्या. गॉड आपको आशीर्वाद दे, शांति इनफ आपके पास चीज़ें हों, प्रॉस्पैरिटी मतलब आपके पास समृद्धि हो, आपके पास अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, और आपको कैवल्या मिल जाए, मतलब कैवल्या मतलब मोक्ष मिल जाए. सो अब कॉन्टेंट में देखते हैं कि ऑथर्स का प्रिफेस जो 8 पेज से 18 पेज तक था हमने पढ़ लिया. चैप्टर 1 में स्वामी जी कहते हैं कि हाउ टू बी प्रॉस्परस. नाउ इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एफोरिज्म है, मतलब बिकम अडॉप्टेड सन. इसमें लिखा तो अडॉप्टेड सन है, पर इसमें कुछ और ही बात कही गई है, अंदर जाके समझ में आएगा. मैरी अ रिच गर्ल, नेक्स्ट बेवेयर ऑफ फैशनेबल वाइफ, नेक्स्ट बी एडवेंचरस, नेक्स्ट बिकम अ सेल्फ मेड मैन, नेक्स्ट हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, नेक्स्ट हाउ टू विन फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट बी एवर बिजी, नेक्स्ट इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी, नेक्स्ट गिव अप हैंगलिंग, नेक्स्ट बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, नेक्स्ट टेक एन टेक टू एग्रीकल्चर, नेक्स्ट डू नॉट लीव मच लेगेसी, नेक्स्ट मेक गुड यूज ऑफ मनी. चैप्टर 2 वे टू सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हेल्थ इज वेल्थ, नेक्स्ट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, नेक्स्ट नेवर बोरो, नेक्स्ट गैम्बल नॉट, नेक्स्ट गिव अप लिकर, नेक्स्ट डिस्पायर नॉट फ्रेंड्स. Now we need to understand the meaning of despair. I think the meaning of despair is निराश ना करना. So despair means पूर्ण निराशा. Yes, I was right. निराश ना करना. We should not unnecessary
give pain to our friends. If possible, we should make them happy. I mean, it doesn't mean that we should obey their wrong things, wrong orders. It doesn't mean that, है ना? Practice of concentration daily. Repeat Lakshmi mantra, bhukti and mukti. Chapter 3, the internal preparation. Have a sterling character. Develop virtues. Be truthful. Observe brahmacharya. Cultivate dispassion. मतलब वैराग्य होना चाहिए. कल्टीवेट मेमोरी, मेमोरी डेवलप करो. डेवलप योर विल, विल पावर डेवलप करो, जो सेल्फ कंट्रोल वाली बात होती है. हैव आयरन डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ शक्ति को मजबूत करो. प्लानिंग मेथड एंड ऑर्डरलीनेस, प्लानिंग करना मेथड से होनी चाहिए और ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए. ऑर्डरलीनेस मीन्स एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. चैप्टर 4 क्या है? अटेन परफेक्शन. हु इज द रिचेस्ट मैन? डिफेक्ट्स ऑफ रिचेस. रिचेस्ट मैन कौन है इस दुनिया में? बुराइयां क्या होती है रिचेस की? मनी की कोई कीमत नहीं है. मनी कम्स एंड गोज, मनी आती है जाती रहती है. नेक्स्ट है बिकम डिजायरलेस. हमें इच्छा विहीन बनना है. दैट ब्लेस्ड वाइफलेस स्टेट, जिसके पास वाइफ, जो वाइफलेस है वो ब्लेस्ड है. वेल्थ ऑफ जपा, जपा की क्या कीमत है? सुप्रीम वेल्थ ऑफ मोक्ष, है ना? जो सब मोक्ष जो सुप्रीम वेल्थ है. अपेंडिक्स ऑन एक्वायरिंग वेल्थ और स्पेंडिंग मनी. गोल्डन ट्रेजर, लक्ष्मी स्त्रोतम, मंत्रास फॉर जपा, कीर्तन, थैंक्स गिविंग टू द लॉर्ड. ब्लेस्ड एस्पिरेंट्स, आई विश यू ऑल अ ब्राइट एंड हैप्पी न्यू ईयर. फॉर मतलब स्वामी शिवन जी ब्लेसिंग्स देते हैं, या फिर आप सब ब्लेस्ड हो कि आपको ब्राइट एंड हैप्पी न्यू ईयर. पहले तो वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर के दौरान लिखी होगी किताब. ये 1950 में उन्होंने किताब लिखी थी. वो कहते हैं फाइट ब्रेवली इन दिस बैटल ऑफ लाइफ. अपने इस जीवन के युद्ध में साहस पूर्वक लड़ो. आर्म योर सेल्फ विद द शील्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्वॉर्ड ऑफ डिस्पैशन. अपने जो तुम्हारे हथियार होंगे वो विवेक होगा और वैराग्य होगा. मार्च टूवर्ड्स करीजियसली, मार्च फॉरवर्ड करीजियसली. यील्ड नॉट टू टेम्पटेशंस. करीजियसली साहसपूर्वक आगे बढ़ो. जो टेम्पटेशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ऑल दिस टेम्पटेशंस के, उन टेम्पटेशंस को अपने जीवन अंदर मत भरने दो. मेडिटेट ऑन द इनर सेल्फ रेगुलरली. अपने अंदर के आत्मन पे लगातार ध्यान करो. यू विल एंटर दी इनलिमिटेबल डोमेन ऑफ इटर्नल ब्लिस एंड एवर लास्टिंग पीस. इसके थ्रू तुम एक ऐसे अनलिमिटेड, तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे अनलिमिटेड ब्लिस है, एवर लास्टिंग पीस है, कभी खत्म ना होने वाली पीस है. यू विल बिल्ड अप द लाइफ ऑफ काम, स्ट्रेंथ, रिपोज एंड पीस. यू विल बिल्ड एंड बिल्ड अप. तुम एक ऐसी लाइफ बिल्ड करोगे जो कि काम है, जिसमें स्ट्रेंथ भी है. अब रिपोज मीन्स क्या होता है वो देखना पड़ेगा. विश्राम या नींद की स्थान विशेष पर होना, है ना? विश्राम या नींद, जहाँ पे आपको शांति, नींद या विश्राम मिलेगा एंड शांत और पीस मिलेगी. मे गॉड ब्लेस यू. 1 जनवरी 1950 को उन्होंने किताब लिखी थी, इसलिए उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर बोला है. हाउ टू बिकम रिच. ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः. सो दोज हु वांट टू बिकम रिच, दे शुड चैंट दिस मंत्र, ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः. हाउ टू बी प्रॉस्परस, बिकम एन अडॉप्टेड सन. ओके, सो हियर द चैप्टर 1 स्टार्ट्स.